टिके टिके। ये कहानी है 1995 की। जापान में होकाइडो नाम का एक शहर था। उस शहर में मुरोरान नाम का एक नगर था। मुरोरान में एक कॉलेज था और उस कॉलेज में कित्सु नाम की लड़की पढ़ती थी। एक दिन कित्सु अपने पिता की कार लेकर कॉलेज में आई। उसके दोस्त ये देखकर बड़े ही खुश हुए। क्या बात है कित्सु, आज तो तुम कार लेकर आई हो। हाँ हिमारी, आज हम लोग कार से पूरा टाउन घूमेंगे और बहुत मजे करेंगे। कितना मजा आएगा, कितना वक्त हो गया है हम लोगों ने कोई मस्ती नहीं की। हाँ तुम सही कह रहे हो फ्यूजी, आज हम कार से पूरा शहर घूमेंगे और खूब मजे करेंगे। ठीक है तो फिर कॉलेज खत्म होने के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। और हाँ, कोई भी लेट मत हो जाना, आज के लिए नो एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ हाँ, आज पार्टी डे है, आज के लिए बंकिंग अलाउ है। चलो मिलते हैं कॉलेज के बाद। सभी अपनी क्लासेस में लौट गए। शाम को जब कॉलेज खत्म हुआ तो कित्सु कार लेकर आई और सभी उसमें बैठ गए। वे लोग पूरा वक्त घूमते रहे। गाइज, अब तुम लोग बताओ कि हम नेक्स्ट कौन सी जगह चलें? मुझे जो जगह पता थी वो तो हमने घूम लिया। फूजी को एक जगह घूमने का आइडिया आया। क्यों ना आज हम गली नंबर 13 चलें? ये सुनकर सब एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। सही कह रहे हो फूजी, आज चलकर देख ही लेते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है। हिमारी शहर में नई थी, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो हिमारी, तुम सच में गली नंबर 13 के बारे में नहीं जानती? नहीं, तभी तो तुम लोगों से पूछ रही हूँ, मुझे भी बताओ ना। फूजी तुम बताओ हिमारी को। आज से 20 साल पहले काशिमा रेको नाम की एक लड़की उस गली में रहती थी। कहते हैं कि एक दिन उसे कुछ गुंडों ने बहुत परेशान किया और उसके शरीर को पेट से काट दिया। तभी से उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा उस गली में घूमता रहता है और जैसे ही कोई भी उस गली से गुजरता है वो उसे मार डालती है। उसे मुरोन में टेके टेके के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वो अपने पैरों को ढूंढ रही है और उसी के लिए सबको मार देती है। मतलब कि वो पहले मारती है और फिर लोगों के पैरों को काट कर उसे अपने शरीर पर लगाती है और फिर अगर वो फिट नहीं होता तो सैड हो जाती है। हिमारी की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो बताओ दोस्तों, कोई चलेगा गली नंबर 13 या टर्न ले लूं? फूजी और काइन एक साथ बोलते हैं गली नंबर 13। नहीं दोस्तों, आज नहीं चलते हैं, मुझे आज घर पर जल्दी जाना है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। फिर कभी, कैसी बात कर रही हो हिमारी, आज ही तो मौका मिला है वहाँ जाने का। लेकिन मुझे भी तो आज जल्दी जाना है ना, हम सच में फिर कभी चले जाएंगे, वैसे भी वो जगह यहाँ से काफी दूर है। हिमारी हम आज ही चलेंगे, आई प्रॉमिस हम वहाँ से जल्दी लौट आएंगे और तुमको भी टाइम पर घर छोड़ देंगे। हाँ यार प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, मुझे अपने पैरों से बहुत प्यार है। सभी हिमारी की बात पर हंसने लगे। कित्सु ने कार की स्पीड तेज की और वो चारों गली नंबर 13 पर पहुंचने ही वाले थे कि उनके सामने एक औरत आ गई। उस औरत के सफेद बाल थे, वो बहुत ही बूढ़ी दिख रही थी। कित्सु ने गाड़ी रोकी और वो औरत कित्सु के पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। सभी उस औरत को देखकर चौंक गए। तुम लोग क्यों वहाँ जा रहे हो? अरे आप क्यों हमारी गाड़ी के सामने आई, आपको चोट लग जाती तो? मेरी चिंता छोड़ दो और अपनी जान की परवाह करो, चले जाओ यहाँ से, वरना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो औरत सभी को आगाह करके वहाँ से चली गई। चारों दोस्त कुछ देर के लिए परेशान हो गए और सोचने लगे। बड़ी ही अजीब औरत थी। अब तो मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि ये गली नंबर 13 में ऐसा क्या है। चलो कित्सु स्पीड बढ़ाओ। कित्सु ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और वे पहुँच गए गली नंबर 13 के सामने। गाड़ी से उतरकर वो सब उस गली को देख रहे थे। उस गली के आस पास भी कोई नहीं रहता था। गली एकदम सुनसान थी और चारों तरफ स्ट्रीट लाइट के अलावा कुछ भी नहीं था।
मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। लगता है काशिमा को पहले से ही हमारे पैरों का साइज पता है। सभी हिमारी के इस बात पर हंसने लगे, तभी एक चाकू उड़ता हुआ आया और उसके गले में आकर लगा। हिमारी के गले से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हिमारी, तुम्हें ये किसने मारा? हिमारी! हिमारी का दम घुटने लगता है। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, जल्दी। उन्हें गली से टक टक की आवाज आने लगी। तीनों ने गली की तरफ देखा तो दो चमकती हुई आंखें उन्हें उन तीनों के करीब आते हुए दिखी। वो कोई और नहीं, काशिमा ही थी। उसका आधा शरीर रेंगता हुआ उन चारों के पास आ गया। काशिमा काइन के पास आई और चाकू उसके जूते पर गाड़ दिया। काइन पूरी तरह चीख उठा, भागो यहाँ से, जल्दी! कित्सु और फूजी भागने लगे। काशिमा रेंगते हुए फूजी के पैर से लिपट गई और अपने नुकीले दांत उसने फूजी के पैर में गाड़ दिए। फूजी जमीन पर गिर पड़ा। कित्सु ने पीछे मुड़कर देखा और बुरी तरह से कांपने लगी। काशिमा फूजी के शरीर पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर रही थी। कित्सु गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी स्टार्ट करके उसे तेजी से भगाने लगी। काशिमा ने कित्सु की गाड़ी को जाते देखा, वो भी तेज रफ्तार से कित्सु का पीछा करने लगी। गाड़ी के अंदर बैठी कित्सु को पसीना आ रहा था। काशिमा गाड़ी के आगे के शीशे पर कूद गई और उसने शीशा तोड़ दिया। कित्सु ने ग्लव बॉक्स खोला और उसमें से चाकू निकालकर काशिमा पर हमला करने लगी, लेकिन काशिमा पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने कित्सु का चाकू छीनकर उसी के सीने में गाड़ दिया। कित्सु की भी मौत हो गई। अगले दिन दो पुलिसमैन उस जगह से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर गई। चार लाशें जमीन पर पड़ी थी और उनके धड़ शरीर से अलग पड़े हुए थे। जरूर ये काशिमा के भूत ने ही किया है। पता नहीं लोगों को कब समझ आएगा कि इस जगह से दूर रहना उनके लिए कितना जरूरी है। इस हादसे के एक महीने बाद एक आदमी गली नंबर 13 के पास से गुजर रहा था। वो बहुत ही डरा हुआ था। मेरी भी मत मारी गई थी जो इस रास्ते से गुजरने आ गया। शॉर्टकट के चक्कर में इतनी दूर आ गया। काश मैं अपने बॉस से सही रास्ता पूछ लेता तो अभी यहाँ ऐसे भटक नहीं रहा होता। वो गली नंबर 13 के सामने आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इस गली से चलता हूँ, क्या पता आगे कोई शॉर्टकट मिल जाए। आदमी गली के अंदर जाने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी चीखों की आवाज आई। उस हादसे के बाद सरकार ने उस गली के आसपास आने की रोक लगा दी और चारों तरफ नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए। पूरा शहर उस गली नंबर 13 और काशिमा के कहर से बचने के लिए उस जगह से नहीं गुजरता था।